इसका क्या रेंज है सर? ये हमें सेल करने का 95 रुपीज है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बैंगलोर के सबसे बड़े ग्रोसरी होलसेल मार्केट, मतलब जहां से आप लेके अपने रिटेल शॉप में सेल कर सकते हो या फिर करते हैं। मैं कभी गया नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहा हूं, एक्साइटमेंट काफ़ी है। पता नहीं कैसा है वो एरिया, और उस जगह के नाम है तिगड़पेटे। तो उसके साथ ही और एक जगह विजिट करने वाला हूँ, क्योंकि नेक्स्ट एरिया है वहाँ पे बेंगलोर का सबसे बड़ा फुटवेयर होलसेल मार्केट बोला जाता है। वहाँ से लेके बेंगलोर में कोने कोने या फिर बेंगलोर के बाहर अलग अलग जो नेबर स्टेट है वहाँ पे भी लोग सेल करते हैं अपने रिटेल शॉप में। तो वीडियो में बने रहिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिलहाल मैं हूँ चिकपेट मेट्रो स्टेशन के सामने, और आगे वीडियो में बने रहे, मैं चलता हूँ उस तरफ। तो अभी वॉक करके जाएंगे उस तरफ, और आज फ्राइडे है ना, और अभी फिलहाल धूप है, पता नहीं यार बारिश आ सकता है शाम को, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आज। बाकी मैंने कभी उधर गया नहीं था, पहली बार मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कैसा है। मैंने सुना है कि बेंगलोर में जितने सारे जो किराना स्टोर्स होता है ना, ग्रॉसरी स्टोर्स, तो वही से माल उठाते हैं अपने, जैसे कि राइस हो गया, दाल हो गया, आटा, सब कुछ, मसाला, सब कुछ उधर से ही उठाता है, उठा के सेल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे होलसेल है। और देखेंगे, हो सकता है तो लोगों से बातचीत भी करेंगे, कैसा है नहीं है वहाँ का सिस्टम जानने का कोशिश करेंगे। बाकी जो भी होगा अच्छा ही होगा, वीडियो में बने रहिएगा। एक्चुअली क्यार मार्केट का पास वाला एरिया ही है, तो यहाँ पे हमेशा आपको ऐसा भीड़ देखने के लिए मिलेगा। आप मेट्रो स्टेशन से उतर के वॉक करके यहाँ पे आ सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है। चिकपेट मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हो, इवन केआर मार्केट का जो मेट्रो स्टेशन है वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। क्रॉकरी शॉप, एक्चुअली ये जो रूट है ना, इसी में संडे को संडे बाज़ार लगती है, या फिर चोर बाज़ार जो भी बोलते हो, इसी में लगते हैं जो नया पुराने सामान से वो सेल होते हैं। देखो यहाँ पे ही है दीपांजलि नगर नैन हल्ली, तो उसी से आगे जाना है मुझे डोसा बनाने का, जो क्या बोलता है उसको, कढ़ाई, वो है। तो दोस्तों सामने ही है तिगड़पेटे फर्स्ट मेन, मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ इस तरफ। मैं आगे जाके राइट लेता हूँ और गली में घुस जाते हैं, देखते हैं कैसा है। गवर्नमेंट स्कूल कुछ ऐसा होगा, ये वाला जो लेफ्ट साइड वाले बिल्डिंग है ना, काफ़ी ऊँचा दीवारें दिख रहा है, तो कुछ ऐसा है इधर का। तो मैं फर्स्ट मेन से आके पहला राइट ले लिया है गली से, तो इधर तो कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, ओल्ड पेपर के स्टॉक वगैरह, मुझे तो यार एपीएमसी जैसा दिख रहा है। अब अगर यशवंतपुरा एपीएमसी अंदर जाएंगे ना, काफ़ी हद तक ऐसे ही दिखते हैं स्टोर, मतलब गोडाउन काफ़ी दिखेगा। तो दोस्तों आपको दिख रहे होंगे लेफ्ट एंड राइट बहुत सारा गोडाउन है, तो गोडाउन है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कोई ऑयल के गोडाउन है। सामने एक मुझे मेन रोड दिख रहा है, देखता हूँ कौन सी मेन रोड है, देखता हूँ मैं यार दूसरे गली में घुसूँगा अभी। फोर्थ मेन रोड, सामने कुछ ऐसा दिख रहा है व्यूज, कोई स्कूल है पता नहीं, फोटो ऑलरेडी बंदी थे। हाँ ये चामराष्टे मेन रोड है, गाड़ी चल रहा है, बसें चल रहा है यहाँ पे, तो मुझे राइट जाना है, इस तरफ जाके अंदर घुस जाएंगे और देखेंगे और कोई दूसरा एक गली। इस तरफ आगे जाएंगे तो ये पूरा चामराष्टे है, ये तो यार रेसिडेंशियल एरिया लग रहा है मुझे। तो मेरा साथ तो मजाक हो गया यार, मैं सोच के आया था बहुत कुछ, शायद कुछ बड़ा होगा, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। न्यू तिगड़पेटे, न्यू तिगड़पेटे,
तो मैंने सुना कि ये होलसेल मार्केट है फॉर ग्रोसरी आइटम्स, राइस, दाल एक्सेट्रा, बट उतना खास कुछ मुझे लगा नहीं। इससे बड़ा तो एपीएमसी है यशवंतपुरा का, यशवंतपुर सबसे बड़ा है। हाँ हाँ, उसके बाद ये इसका नंबर आता है। अच्छा अच्छा, यशवंतपुर सबसे बड़ा मार्केट। सो ये है केशव कुमार सर, इनसे हम बात कर रहे थे, पूछ रहा था ये एरिया के बारे में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो एपीएमसी से भी बड़ा होंगे, बट उतना बड़ा तो है नहीं, बट सही है जो भी है। थैंक यू सर। तो इनका एक आपका सर राइस के गोडाउन से ठीक है, राइस स्टोर के सर्विस, राइस स्टोर के सर्विस। अच्छा अच्छा अच्छा, फॉल्स रिंग्स यही है क्या? ऐसे ही रहता है सर, ज़्यादातर इधर का शॉप मतलब गोडाउन टाइप का है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो सर जी से बात करके थोड़ा सा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला है मुझे, चलो मैं देखता हूँ थोड़ा आगे, छोटे छोटे रिटेल शॉप। तो एक तरीके से तो मजाक हो गया यार उधर जाके, कुछ खास मुझे देखने के लिए मिला नहीं उधर, ऑपोजिट में घुस गए। इस एरिया का नाम कुछ तो है येन पेटे या समथिंग, बट ये भी एरिया काफ़ी पुराने एरिया है शहर की। जाली मोहल्ला करके एक गली है, उससे मैं गुजार रहा हूँ। हाँ, जाली मोहल्ला, लोगों की घर भी है, दुकान भी है, मिक्स है पूरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चेंज हो गया नाम, थोड़ा सा आगे आया, लगभग 50 मीटर आगे आया तो जगह के नाम चेंज हो गया। ओ भाई, इधर तो बस अलग ही सामान दिख रहा है अभी। ये मुझे खाली लगा ये वाली रोड, उसमें काफ़ी ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, तो मैं इस तरफ चला आया। सामने जगह मुझे लग रहा है कि लेफ्ट लिया तो मैं पहुँच जाऊँगा। ये वाले गली, हाँ लेफ्ट में घुस गया, और दोनों तरफ बिल्डिंग जो ऐसा है। सब चल रहा है यार, एक साथ जूते के गोदाम है ये। हाँ भाई साहब, ये जूते का कारोबार इधर ही ज्यादा है क्या बेंगलोर में? थोड़ा आगे और है क्या? हम भी है। अच्छा, भाई साहब आप लोग रिटेल हो, होलसेलर हो? ये पूरा जूते वाला ही है क्या, फुटवेयर का ही है क्या? अच्छा, अरे भाई ऊपर से गिर रहा है बंडल। यहाँ पे एक साथ शेयर कर रहा है। ये एरिया का नाम क्या है? सुल्तानपेट मार्केट। सुल्तानपेट मार्केट मतलब एक्चुअली ये नेबर एरिया कौन सा है? चिकपेट है, चिकपेट है क्या? चलो उधर, भाई साहब पूरा मुस्कुरा रहा है, क्या भाई साहब इतना खुश। तो भाई साहब मैं गुजर रहा था इसी गली से, तो एक सर जी यहाँ से कुछ बोल रहे थे, उनसे बात करते, बाबा शूज करके इनका स्टोर है यहाँ पे, तो सर से पूछते हैं क्या होलसेलर है कि रिटेलर है। तो सर बताइए कुछ, आपकी ये शॉप रिटेल की होलसेल है? होलसेल है क्या? अच्छा, आगरा शू। आगरा शू, अच्छा अच्छा, मतलब कौन से प्रोडक्ट्स है, जेंट्स के है, लेडीज के है, बच्चे? पूरा जेंट्स की है। अच्छा, फर्स्ट क्वालिटी का आइटम बेचते हैं, फर्स्ट क्वालिटी का आइटम सर। तो देखते हैं सर कुछ प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। तो सर ये शूज के क्या नाम क्या है इस प्रोडक्ट का? नाम है स्पोर्ट्स शू, है 300 रुपीस का। अच्छा, स्पोर्ट्स शूज, और वैरायटी बहुत है हमारे पास। अच्छा सही है सर, ये फॉर्मल शू बोलते हैं इसको। अच्छा, ये 380 का है। अच्छा अच्छा सर, मटेरियल कौन सा है ये? सिंथेटिक है। सिंथेटिक, ओके सही है, सिंथेटिक है। स्पोर्ट्स शू दिख रहे हैं, ओके, लेदर, प्यू लेदर शूज, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सही है। ओके सर, आपके कुछ कॉन्टैक्ट नंबर? तो गैस मैं सर जी का जो शॉप्स के एड्रेस है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, आप अगर कोई इनके साथ बिजनेस करना चाहते हो तो फ़ोन करके बातचीत कर सकते हो। तो दोस्तों सर जी से बात किया मैंने, उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ले ली। बाकी अच्छा एरिया है यार, मुझे यहाँ पे आके कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिला है। भाई ये कौन सी ब्रांड की है? अच्छा लग रहा है, बट आसानी से समझ में नहीं आएगा आपको, दिखेगी फर्स्ट है क्या, सेकंड है कॉपी। बढ़िया लग रहा है, कितने सारे जूते के गोडाउन लाइफ में मैंने कभी देखा नहीं था। तो
सो दोस्तों, मैं इसी गली से गुजर रहा था तो चलते चलते एक भाई साहब मिला है, उनसे बात करते हैं। उनका बहुत बड़ा यहाँ पे गोडाउन है फुटवेयर की, तो जानते हैं किस तरीके के प्रोडक्ट्स इनके पास है और कितने तक का सेल करते हैं। आपके अगर कोई रिटेल वाला भाई साहब, मतलब आपके ऑलरेडी का शॉप है, आप इनके पास लेके सेल कर सकते हो, तो आपको कितना तक के अमाउंट का सामान प्रोडक्ट दे सकते हो, चलो बात करते हैं, देखते हैं। हाय सर। बोलो। तो सर आपके नाम बताइए। तो सर आपके शॉप के नाम क्या है? लोनार्स एजेंसीज। ओके सर, ये एरिया कौन सी है सर? ये नालवंदवाड़ी, बैंगलोर नालवंदवाड़ी। नियर बाई कौन सा एरिया पड़ता है? सुल्तान पेटे। अच्छा, सिख पेटे यहाँ से कितना दूर है? थोड़ा दूर है। अच्छा अच्छा, तो सर आपके पास यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं बहुत सारा फुटवेयर है, तो आप कौन से प्रोडक्ट्स में डील करते हैं? लेडीज के, जेंट्स की? और दो भी है, लेडीज का है, जेंट्स का पूरा है, हमारे कंपनी का आइटम भी है। अच्छा, वो पारण का डिस्ट्रीब्यूटर है हमें। अच्छा, पारण भी है, लूनर्स भी है। अच्छा, और सिटी वुड का है। अच्छा, दिल्ली का आइटम भी बहुत कम का भी माल है, ज्यादा का भी माल है। ओके, तो सर कुछ प्रोडक्ट्स दिखा दो प्राइस रेंज के साथ। आप सिटी वुड का आइटम है भाई? सिटी वुड का ये सैंडल है ना सर? चप्पल है। अच्छा, तो पीछे बैठा है। अच्छा अच्छा, हाँ, इसका चप्पल बोलते सॉरी, इसका हमें मार्जिन देते हैं 48% देता है। अच्छा अच्छा, और पारगन का चप्पल हमें 33% करता है। अच्छा, आपको अगर कोई बैंगलोर का बाहर से फोन करे अगर आपसे बिजनेस करने के लिए, तो फिर कैसे डील करते हो? गूगल पे में सब पेमेंट डाले तो हमें भेजते हो, ट्रांसपोर्ट में भेजते हो? ट्रांसपोर्ट में भेजते हो। अच्छा अच्छा, दूर से आते हैं, आंध्र से, केरला से। अच्छा, तमिलनाडु से पूरा आते हैं। अच्छा, सही है। तो सर दूसरा कुछ दिखाइए। बहुत कम, एक पैर आपको 50 पर 8 रुपए आता है एक पैर को चप्पल को। अच्छा, कम का ही तुम चाहिए? अच्छा, दिल्ली का मतलब? अच्छा, सही है। ये पूरा इधर चित्रदुर्गा का है। चित्रदुर्गा का माल है। अच्छा, चित्रदुर्गा का है ये पूरा, ऐसा शू भी है, जेंट्स का शू भी है। अच्छा, पूरा इसमें बहुत डिसेंट है। अच्छा, डिसेंट है। अच्छा दिख रहा है सर, कौन सा वेट? योनो बोल रहे हैं। अच्छा, दिल्ली का माल है, इसमें बहुत बहुत ज्यादा डिसेंट है। अच्छा, सही है सर। तो सर आप मिनिमम कितना का परचेस करेंगे तो आप पार्सल भेज सकते हो? 4 पीस लेना है कम से कम 4 पीस मिनिमम। ओके ओके, अमाउंट 2000 सर, 1500 हिसाब में। अच्छा सर, मुझे ये दिख रहा है मेरा सामने, क्योंकि शायद फर्स्ट कभी सेकंड कभी पता नहीं, इसका क्या रेंज है सर? ये हमें सेल करने का 95 रुपीज है। ओके, क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस। हाँ, क्रॉस पता है, इसीलिए मैं बोल रहा था 95 रुपीज में सेल करता है। अच्छा, तो इसका मिनिमम कितना पेयर लेंगे? तो आप 6 पीस लेना है। 6 पेयर लेना है, सही है सर। अभी कम का बच्चों का भाई हो तो वो भी है, 25 रुपए से कम नहीं होगा। ओ भाई, बड़ा गोडाउन है यार, ये ना तो बच्चों का भाई है। अच्छा, एक पेयर को हमारे को 25 रुपए लगाते हैं। 25 रुपए, 25 रुपए, बहुत ही कम है सर। कम है, सही है, बहुत वैरायटी है। तो गाइस, जिसको भी बिजनेस करना है, रिटेल बिजनेस, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स काफी दिख रहा है। देखो यहाँ पे लेडीज की भी है, आपको दिख रहा है, इनके साथ बिजनेस कर सकते हो। उनके सारे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस वगैरह मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। कोई भी सवाल, सुझाव, क्वायरी रहेगा तो सर जी से पूछ के आप आगे के बिजनेस कर सकते हो। काफ़ी अच्छा लगा सर, थैंक यू। ये भी यार फुटवेयर की है। ओ माय गॉड, इतने जूते यार लाइफ में कभी नहीं देखा एक साथ। हाँ बोलो भाई, क्या समाचार? सर इधर के हो आप? ये हमारा है घर। अच्छा, आपके घर है? अच्छा, इधर गए? अच्छा, तो एक भाई साहब थे, इनका घर इधर ही है। सो दोस्तों, मैंने तो बैंगलोर का सबसे बड़ा जो फुटवेयर हाफ और ग्रॉसरी होलसेल मार्केट दोनों मैंने आपको दिखा दी। तो चलो, वीडियो को रखते हैं इतना ही तक। बाय बाय।